नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। रामनवमी को लेकर भगवा क्रांति की ओर से बुधवार को भागलपुर के घंटाघर चौक से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान घंटाघर चौक पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और भारत माता की आदमकद प्रतिमा के साथ कई तरह की झांकियां शोभा यात्रा में शामिल हुई, जिसको लेकर राम भक्तों और शहरवासियों में खासा उत्साह देखा गया। रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल होने शहर के अलग अलग हिस्सों से कई आम और खास भी पहुंचे, जबकि भगवा क्रांति के कुणाल सिंह और निरंजन शाह समेत काफी संख्या में सदस्य एवं राम भक्तों ने भगवान राम के अलग अलग गीतों की धुन पर जयकारा लगाया। वहीं घंटाघर से निकाली गई शोभा यात्रा सरदार भगत सिंह चौक और संकट मोचन दरबार होते हुए खलीफाबाग चौक की ओर बढ़ी, जबकि इस बीच संस्था और राम भक्तों के द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम की भव्य आरती की गई, जिसमें पूरे नियम और आस्था के साथ वाराणसी से आए पंडितों की टीम ने आरती और गायन करते हुए भगवान राम को नमन किया। इसके बाद शोभा यात्रा खलीफाबाग चौक पर भी भक्तों का हुजूम राम भक्ति में झूमता दिखा, जो पूरी शोभा यात्रा में जारी रहा। इस दौरान देश के कई जगहों से पहुंचे कलाकारों के साथ अलग अलग बैंड, छऊ नृत्य की टीम, संथाली कलाकार के अलावा विभिन्न तरह की झांकी ने लोगों का मन मोह लिया और पूरा शोभा यात्रा मार्ग भगवा ध्वज से पटा रहा, जहाँ युवाओं के साथ हर आयु वर्ग के भक्त भक्ति धुनों पर मस्ती में झूमते दिखे। इधर युवाओं की टोली ने जय श्री राम और हर घर भगवा छाए का समेत कई गीत एवं देशभक्ति गानों पर झूमते रहे, जबकि कई युवाओं ने लाठी से करतब और कलाबाजी भी दिखाया। इसको लेकर सामाजिक संस्थाओं की ओर से पेयजल की व्यवस्था की गई थी, जहां शोभा यात्रा में शामिल राम भक्तों को जल सेवा दी गई। वहीं इसके बाद वैरायटी चौक होकर शोभा यात्रा स्टेशन चौक पहुंची, जहां से पटल बाबू रोड होते हुए जुलूस बाजे गाजे के साथ भक्ति गीत और नृत्य के बीच घंटाघर हनुमान मंदिर पहुंचा, जबकि इसके बाद मोती चौक पहुंचने पर भी लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया और पूरा इलाका भगवान राम के जय घोष से गूंजता रहा। इधर शोभा यात्रा के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी आनंद कुमार के निर्देश पर भारी संख्या में अर्धसैनिक बल, रैपिड एक्शन फोर्स बीएमपी और जिला पुलिस बल की तैनाती की पूरे शोभा यात्रा मार्ग में जगह जगह की गई थी। सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर समेत कई इंस्पेक्टर रैंक के कई पदाधिकारी, थानाध्यक्ष और दरोगा के अलावा पुलिस और सुरक्षा बल ने हर जगह अपनी पैनी निगाह रखी, जिससे किसी तरह से कोई अव्यवस्था या परेशानी की स्थिति नहीं बने। वहीं भगवा क्रांति द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा का समापन भिकनपुर गुमटी नंबर 1 पर हुआ। इस शोभा यात्रा का समापन भिकनपुर गुमटी नंबर 1 पर हुआ, जहां भगवान राम और भारत माता को नमन कर राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ अलग अलग कलाकारों का भी नमन किया। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को मनाई जाने वाली रामनवमी को लेकर शहर के कई चौक चौराहों और बाजारों में महावीरी पताका फहराने वाली बांस की ध्वजा का बाजार सजा दिखाई दिया। घंटाघर चौक, टिक्सन मोड, अद्भुत हनुमान मंदिर, तुलकामांझी समेत कई जगहों पर बांस का ढेर लगा दिखा, जहां से लोगों ने राम नवमी के लिए ध्वजा के साथ पताका और पूजन सामग्री की भी खरीदारी की। इसको लेकर मुख्य बाजार समेत अलग अलग चौक चौराहों के बाजारों में जय श्री राम और हनुमान के चित्र से सजे महावीरी पताका लहराती रही, जबकि पताका लगे होने से दुकान भी भगवा रंग में रंगा दिखा। वासंती नवरात्र को लेकर बुधवार को 8वें दिन देवी दुर्गा के अष्टम स्वरूप मां महागौरी की पूजा पूरे विधि विधान से की गई। इसको लेकर जहां मंदिरों और पूजा पंडालों के साथ घरों में भी श्रद्धालुओं ने मां महागौरी स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना कर आराधना की, वहीं महिलाओं के साथ कई भक्तों ने पूजा के साथ महाअष्टमी का उपवास रखकर इसकी महत्ता से जुड़ी कथा सुनी। भागलपुर के बाबा बुर्देश्वर नाथ मंदिर, मनस्कामना नाथ मंदिर, कालीबाड़ी, दुर्गाबाड़ी, बरारी, तिलकामांझी, भिकनपुर, सिकंदरपुर समेत विभिन्न इलाकों के दुर्गा मंदिरों में भक्तों के भीड़ पूजन और दर्शन को जुटी रही, जहां श्रद्धालुओं ने अपने मनवंचित फल की कामना देवी से की। वहीं इसको लेकर पूजा समिति के साथ प्रशासनिक स्तर से भी कई तरह की तैयारी की गई, जिससे पूजा या विसर्जन के दौरान किसी तरह से शांति भंग नहीं हो। अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन, हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं।
एड्रेस सूजागंज नियर इंदारा स्टेशन रोड भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भागलपुर के कहलगांव अंतिचक स्थित विक्रमशिला महाविहार में वर्ष 2008 से सरकार और प्रशासन के द्वारा विक्रमशिला महोत्सव की शुरुआत हुई, लेकिन इसके बावजूद तब से लेकर अब तक विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास नालंदा विश्वविद्यालय की तर्ज पर होने की सिर्फ चर्चा ही हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय के विकास को लेकर कई मंचों से ऐलान तो किया, लेकिन अब तक गठबंधन बदलकर मुख्यमंत्री की गद्दी पर काबिज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसको लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रहे हैं। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने 500 करोड़ की राशि विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए केंद्र सरकार द्वारा देने की घोषणा भी की, लेकिन बिहार सरकार की ओर से अभी तक इसके लिए उन इलाकों में 500 एकड़ जमीन भी उपलब्ध नहीं कराई है, जिससे स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसको लेकर कभी राजद तो कभी बीजेपी के विधायक ने विक्रमशिला महोत्सव के दौरान विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार की ओर से अभी भी कोई सकारात्मक पहल की उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। वहीं महोत्सव स्थल के ठीक बाहर बीजेपी के कहलगांव विधायक पवन यादव ने सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की मांग राज्य सरकार से की, जबकि बीजेपी के ही पिपैती विधायक ललन पासवान ने सवाल खड़े करते हुए कहा कि यह मसला अब सदन का हो चुका है और इसके लिए सड़क पर किसी भी माननीय के द्वारा प्रदर्शन करना शोभा नहीं देता। ललन पासवान ने कहा कि ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार ने विक्रमशिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए प्रयास नहीं कर रही है, बल्कि 2 जुलाई 2021 को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को कहलगांव पिपैती इलाके के परशुरामचक एकटकरा इलाके की 250 एकड़ जमीन की रिपोर्ट भी केंद्रीय साइट सिलेक्शन कमेटी को सौंपी दी गई है। साथ ही कहा कि लेकिन अभी तक भू अर्जन की रिपोर्ट सर्किल ऑफिसर की तरफ से उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके कारण काम आगे नहीं बढ़ रहा है। आपको मैं बता दूं कि एक ये महोत्सव है और हम महोत्सव में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एक जो वैश्विक महामारी कोरोना से हम लोग बाहर निकले थे, जिस वजह से वो कई पिछले कई वर्षों से नहीं हो नारेबाजी हो रही थी कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी लॉ 2020 में जब आप सरकार में थे तो आप एमएलए जो था आपका पिपैती का वो धरना पे थे। एक बात बताइए कि ये यूनिवर्सिटी बनेगी, वहाँ पर जो लोकल अधिकारी हैं, डीएम हैं, कमिश्नर हैं, एसएसपी हैं, एसडीएम हैं, बीडीओ है, सीओ है, इनके ज्यूरिडिक्शन यूनिवर्सिटी आता है। यूनिवर्सिटी सरकार को बनाना है और यूनिवर्सिटी सरकार को बनाना है, इसकी जो अगर हम अपोजिशन में तो सदन में हल्ला होना चाहिए ना। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने सदन में पिछले ही शिक्षा बजट के सत्र में हमने बहुत ही मजबूती से यूनिवर्सिटी का मांग उठाया, आपने देखा भी था। और उसी पीरियड में मैंने हमारे जो प्रेरणा स्रोत नेता मेरे गुरु और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सैयद शाहनवाज हुसैन जी उठकर खड़े हुए सबसे रिक्वेस्ट किए हैं, और हम जहां तक जानते हैं कि सरकार प्रयासरत है, अनुकूल जमीन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हम उत्सव में जो कोई भंग डाले इसको हम कदापि पसंद नहीं करते। ये संस्कृति पिपैती नगर पंचायत के सुंदरपुर में बजरंग बली मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बुधवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा में काफी संख्या में महिला और पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। इस दौरान शेरमारी काली मंदिर होते हुए शोभा यात्रा मनोकामना नाथ मंदिर पहुंची, जहाँ से कलश में जल भरकर पुनः श्रद्धालु सुंदरपुर बजरंग बली मंदिर पहुंचे। मौके पर पंडित मनोज शास्त्री, नागेंद्र तिवारी प्रखंड प्रमुख, रश्मि कुमारी व्यवस्थापक, सूरज शाह सहित काफी संख्या में भक्तगण मौजूद थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।